नमस्कार दोस्तों, आज फिर आपका स्वागत है क्राउन इमिग्रेशन के यूट्यूब चैनल पर। तो आज का जो हमारा डिस्कशन है ये फंड्स के ऊपर रहेगा, क्योंकि हर एक बच्चे का ड्रीम है फॉरेन कंट्रीज़ में हायर स्टडी का, और हर एक कंट्री की अपनी अपनी रिक्वायरमेंट है, जो आपके जो लिविंग एक्सपेंसेस हैं जो आपने अपनी कंट्री के अंदर दिखाने हैं जब आपने वीज़ा अप्लाई करना है, जिसको हम देसी भाषा में ये कह सकते हैं कि फंड शो कैसे करवाते हैं और एम्बेसीज़ को इनकी क्या क्या रिक्वायरमेंट रहती है। तो अभी मेरी बहुत सारी वीडियोस हैं हमारे चैनल के ऊपर शेंगेन कंट्रीज़ के ऊपर, 26 शेंगेन कंट्रीज़ हैं, और मैंने हर एक कंट्री को अपनी हर एक वीडियो के अंदर टच किया हुआ है, उनके एडमिशन क्राइटेरिया के बारे में, वहाँ पर कौन कौन से प्रोग्राम है, कौन कौन से उनके मेजर इनटेक्स है, क्या क्या ट्यूशन फीसेज हैं, और कौन सी शेंगेन कंट्री है जो कि इंटरनेशनल स्टूडेंट को फ्री स्टडी प्रोवाइड करती है, और कौन सी शेंगेन कंट्री से आप अपना स्कॉलरशिप और स्टाइपेंड भी ले सकते हैं। तो और जो फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं जो कि मेन मार्केट के अंदर बेची जाती हैं या जिनकी बहुत प्रमोशन होती है, यूएसए हो गया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड हो गया, कनाडा हो गया, आयरलैंड हो गया, और इन कंट्रीज़ की जो रिक्वायरमेंट रहती है फंड्स की डिफरेंट टाइप की है, क्योंकि दीज आर द प्राइमरी कंट्रीज़। जैसे यूके, मैंने वीडियो में बताया था, जो फॉरेन एजुकेशन का कंसेप्ट है यूके से ही स्टार्ट हुआ था, उसको देखने के बाद फिर अनदर कंट्रीज़ यूएसए ने स्टार्ट किया है, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया आया मार्केट के अंदर, न्यूजीलैंड आया, और कनाडा ने ही पिछले 4 साल में ही ये अपनी जो इंटरनेशनल जो स्टूडेंट प्रोजेक्ट को प्रमोशन करनी स्टार्ट की है, और इतनी उसने प्रमोशन की है कि आज की डेट में फर्स्ट डेस्टिनेशन बन चुका है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए। कुछ कंट्री ने तो अपना जो कंसेप्ट है बिल्कुल क्लियर ही कर दिया है कि अगर आपने हमारी कंट्री में हायर स्टडीज़ के लिए आना है तो आप अपने जो लिविंग एक्सपेंसेस हैं वो साथ में कैरी करके लेकर आएँ। वो कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं उनके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। हम स्टार्ट करेंगे कनाडा के साथ, जहाँ पर बच्चे को GIC खुलवाना पड़ता है 10,200 समथिंग का, जो कैनेडियन डॉलर है, कि बच्चों को लिविंग एक्सपेंसेस साथ में साल के लेकर जाने पड़ते हैं। इसी तरीके से अगर हम न्यूजीलैंड की बात करें, वहाँ पे FTS चलता है, फंड ट्रांसफर जो सिस्टम है, बच्चे को वहाँ पर भी अपने जो लिविंग एक्सपेंसेस है साथ में कैरी करके ले जाने पड़ते हैं। इसी तरीके से नॉर्वे के अंदर स्टूडेंट डिपॉजिट चलता है, स्टूडेंट्स को भी वहाँ पर, क्योंकि वहाँ की इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए फीस नहीं है, लेकिन अपने जो लिविंग एक्सपेंसेस हैं साथ में कैरी करने पड़ते हैं। तो अभी जो बाकी कंट्री रह गई हैं, जो प्राइमरी कंट्री यूके, जो सबका बाप है, क्योंकि इसने ही सबको सिस्टम बताया है कि यूके ही एक ऐसी कंट्री है जो बैन करती है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को, उसके बाद में कनाडा को भी अवेयरनेस आ गई, वो भी बैन करना उसने स्टार्ट कर दिया, और बहुत सारी कंट्री हैं जो बच्चे को बैन भी करती है अगर आप वहाँ पर फेक फंड्स लगाकर वीज़ा लेने की कोशिश करते हैं। तो फंड्स किस टाइप के हैं होने चाहिए, और कुछ कंट्री सोर्स ऑफ इनकम भी मांगती हैं, फंड्स तो दिखा दिए आपने, फिर साथ में सोर्स ऑफ इनकम भी मांगती हैं। तो शेंगेन 26 कंट्री है, और 26 कंट्रीज़ के बारे में सिर्फ उनको ही मालूम है जो उनके साथ पिछले 8-10 साल से माथा मार रहे हैं कि इन कंट्रीज़ में कैसे फंड दिखाने चाहिए। तो पहले तो मैं रिजिड, जो बड़ी डिफ़िकल्ट रहते हैं फंड्स की रिक्वायरमेंट, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। जो GT की जेन्युइन टेम्परेरी इंट्रेंट है, ऑस्ट्रेलिया के अंदर ये चीज़ यूज़ की जाती है, वहाँ पर फंड्स किस टाइप के, साथ में कौन से सोर्स दिखाने हैं। इसी तरीके में न्यूजीलैंड की भी बहुत रिजिड है अपने फंड्स की पॉलिसी, और कनाडा के अंदर बहुत सिंपल है कनाडा जो उनकी फंडों की पॉलिसी, क्योंकि GIC दिखाना होता है आपने सिर्फ। तो USA के अंदर, ऑस्ट्रेलिया के अंदर, न्यूजीलैंड के अंदर जो फंड्स दिखाने का सिस्टम है इट इज़ वेरी रिजिड, और आयरलैंड के अंदर भी। तो क्या है वो फंड्स, किस टाइप के मांगते हैं, या तो आपकी सेविंग्स मांगेंगे, सेविंग्स में फ़ंड कैसे दिखाने हैं, या आपका जो लोन सेंक्शन लेटर हो, किसी बैंक ने आपको लोन सेंक्शन किया हो वो दिखाना पड़ता है। और हर एक कंट्रीज़ की अपनी रिक्वायरमेंट है, कोई 28 दिन पुराने फंड्स एक्सेप्ट करता है, कोई 3 मंथ पुराने फंड एक्सेप्ट करता है, कोई 6 मंथ, मैक्सिमम 6 मंथ है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। तो हर एक कंट्री की अपनी अपनी रिक्वायरमेंट है। साथ में जब वो फंड जब आपके अकाउंट में आ जाते हैं, हर एक कंट्री, जैसे मैं ऑस्ट्रेलिया की बात करूं या न्यूजीलैंड की बात करूं, अगर 25 लाख रुपए आपके अकाउंट में पड़ा हुआ है, या
इसकी भी बात करूं, अपना यूएसए की भी बात करूं, ये अगर फंड आपके, आयरलैंड की भी बात करूं, ये चार पांच कंट्री है, अगर आपके अकाउंट में 20-25 लाख रुपया पड़ा हुआ है तो उनकी कंट्री ये भी साथ में कहती है कि ये 20-25 लाख रुपया आपका कहाँ से जनरेट हुआ है, आपके पास क्या सोर्स ऑफ इनकम है। तो सोर्स ऑफ इनकम में हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप के डॉक्यूमेंट्स लगाते हैं। क्या लगाते हैं हम सोर्स ऑफ इनकम में? फिर अपनी इनकम टैक्स की रिटर्नें लगाते हैं। वो कहते हैं कि 25 लाख रुपया अगर साल की इनकम 5 लाख की है आपकी, तो 25 लाख रुपया 5 साल में जाकर जुड़ता है आपके पास। ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी आगे रेज होते हैं। फिर कहते हैं कि ठीक है, आपकी जो ये 5 लाख रुपया इनकम है ये आती कहाँ से है? फिर हम बताते हैं हम जॉब कर रहे हैं इस ऑर्गेनाइजेशन में, उसकी सैलरी स्लिप लगती है। हाँ, हम कहते हैं कि हम बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस के डॉक्यूमेंट लगते हैं। और 25 लाख रुपया आपने दिखाया, किस बेस से दिखाया है? आपकी FDRs भी हो सकती हैं, आपके म्यूचुअल फंड्स भी हो सकते हैं जो आपने शेयर मार्केट के अंदर लगाए हैं। डिपेंड है कौन सी कंट्री में अपना वीज़ा डाल रहे हैं। फंड्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन ऑल ऑफ द कंट्रीज़। जितनी भी ये कंट्रीज़ मैंने बताई हैं, कुछ कंट्रीज़ को छोड़ के यहाँ पर FTS या GIC या व्हाट्सएवर चलता है। तो फंड्स जब दिखाने हैं, साथ में सोर्स ऑफ भी दिखाने हैं, डॉक्यूमेंट आपने, ये सारे डॉक्यूमेंट आपको जनरेट करने पड़ते हैं। तो फंड्स के ऊपर भी बहुत बड़ा स्कैम है मार्केट के अंदर, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। बहुत सारे गलत एजेंट्स जो मार्केट के अंदर बैठे हुए हैं, बच्चों से 8-10% इंटरेस्ट लेते हैं और फिर भी उनको फेक डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड कर देते हैं। तो उन बच्चों के लिए ये अवेयरनेस है कि उनको ये अपने फंड्स कैसे चेक करने चाहिए कि क्या स्टिल जो भी फंड आपने किसी भी कंसल्टेंट के थ्रू शो करवाए हैं, क्या वो स्टिल आपके बैंक के अंदर हैं या नहीं है, वो कैसे चेक कर सकते हैं, उसके सब के सब बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो आप मार्केट में क्या चलता है कि एजेंट्स 28 दिन के लिए फंड्स आपके अकाउंट में डाल देता है, अगर आपने UK में अपना वीज़ा अप्लाई करना होता है तो डालने के बाद फिर 28 दिन वेट करना पड़ता है। 28 दिन के बाद एम्बेसी भी टाइम लेती है। अभी एम्बेसी ने 2-2 महीने के बाद वीज़ाज दिए हैं। कुछ एजेंट्स सिर्फ, बहुत सारे ये हमारे पास कंप्लेंट्स आई हैं, मेरे पास ऐसे रिफ्यूज़ल लेटर आए हैं, सिर्फ बच्चे के अकाउंट में पैसा डाला, डालने के बाद उसकी बैंक स्टेटमेंट बैंक से ले ली, ठीक है, उसके साथ बैंक का बैलेंस सर्टिफिकेट ले लिया, लेने के बाद दूसरे और तीसरे दिन उसका जो एजेंट है जिसने फंड दिखाए हैं वो विड्रा कर लेता है, जो फाइनेंसर है, तो सिर्फ उसके पास वो डॉक्यूमेंट ही रहता है। वो ऐसे फंड लगाकर वीज़ा अप्लाई करता है। अप्लाई करने के बाद एम्बेसी एक तो उसका वीज़ा रिफ्यूज़ करती है, साथ में ऐसे बच्चों के ऊपर वो बैन लगा रही है। तो आपने जब भी फंड अपने लेने हैं किसी कंसल्टेंट को, 1 महीने का इंटरेस्ट दे रहे हैं या 2 महीने का इंटरेस्ट दे रहे हैं, एटलीस्ट रैंडमली उसको जरूर चेक करें। चेक कैसे कर सकते हैं? आप रिस्पेक्टिव ब्रांच में जाकर जो आपके नियर बाई है, जिसमें आपका अकाउंट खुलवाया, वहाँ जाकर पूछ ले कि सर मेरे बैंक में क्या बैलेंस पड़ा हुआ है। तो उससे क्या होगा कि आपको भी कॉन्फिडेंस रहेगा अपने केस के ऊपर। ये चीज़ें आपने चेक करनी है जब भी आपने किसी को 5%, 10% या 20% इंटरेस्ट देना है। तो दूसरा, गलत एजेंट्स क्या करते हैं, जो लोन सेंक्शन लेटर लेते हैं, स्टडी लोन सेंक्शन लेटर, उसमें भी बहुत बड़ी धंधलीबाजी चल रही है। उसमें क्या कहते हैं कि हम आपका FDOD की लिमिट बना के उसके अगेंस्ट आपको लोन सेंक्शन लेटर लेकर देंगे। इसके अंदर मेजोरिटी ऑफ बच्चों की रिजेक्शंस आई हैं UK के अंदर, जिन्होंने ये लोन लेटर लेकर अपने स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई किए हैं। इवन बहुत सारी कंट्रीज़ में ये लेटर उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में भी डाले। ये पुरानी हिस्ट्री है, मैं बता रहा हूँ पुरानी हिस्ट्री में ये चीज़ें हमारे सामने आई हैं। इवन जब ये GIC नहीं चलता था, उस टाइम भी इस तरीके के लोन सेंक्शन लेटर लगाकर कनाडा के अंदर बच्चों ने, कईयों ने वीज़े लिए भी है, कई बच्चों के वीज़ा रिफ्यूज भी हुए हैं। तो उसमें क्या करते थे, क्लाइंट क्या करता था और एजेंट क्या करता था, एजेंट क्लाइंट को कहता था कि मैं आपकी एक FD बनाऊंगा, FD की मार्जिन मनी आपने खुद देनी है। FD की मार्जिन मनी कितनी हो सकती है? अगर मैंने आपकी FD 10 लाख की बनानी है तो 1 लाख रुपया आप देंगे और 9 लाख रुपया मैं आपको डालूंगा उसके अंदर। तो 10 लाख की हम FD बनाएंगे, जब आपका वीज़ा हो जाएगा तो आप अपना 1 लाख रुपया उसमें से निकाल सकते हैं, जो मेरा इंटरेस्ट होगा वो मैं ले लूँगा जितना भी हम सेटल करेंगे। तो वो आपकी एक FD बना देता था। वो FD के अंदर वो क्या करता, ओवरड्राफ्ट लेता था। पहले बैंक के पास जाता था कि मुझे इस FD के अगेंस्ट स्टडी लोन सेंक्शन कर दिया जाए, ये बच्चे का एडमिशन आया है।
तो बैंक मैनेजर क्या करता था, उस एफडी के अगेंस्ट बच्चे को 90% लोन सेंक्शन कर देता था या 80% लोन सेंक्शन कर देता था, 8 लाख रुपया या 9 लाख रुपया सेंक्शन कर दिया 10% की मार्जिन मनी रखकर उसने। तो वो पर्सन जो एजेंट था वो ये भी कहता था इस एफडी के अगेंस्ट मुझे ओवरड्राफ्ट भी दे दे। वो बैंक वाले जो उसकी उसने अंदर पैसे डाले होते थे 9 लाख, उसको ओवरड्राफ्ट करके उसके सेविंग में डाल देता था। वो अपने एजेंट पैसे निकाल लेता था जो भी उसका 9 लाख था, तो उसका 1 लाख रुपया फंसा रहता था। ये एक फेक डॉक्यूमेंट सा क्रिएट होता है, क्योंकि आपसे सिर्फ बैंक को भी बेवकूफ़ बना के उससे हमने बैंक से लेटर भी ले लिया ये लोन सेंक्शन का, उसी को लगाकर हमने वीज़ा लेने की कोशिश किया है। और जब बैंक जो अम्बेसीज हैं रिस्पेक्टिव बैंक को फ़ोन करते हैं कि आपको आपने जो लोन सेंक्शन लेटर किया है इसके अंदर एफडी रखी हुई, एफडी का स्टेटस बताएं, वो स्पेसिफिकली ऐसे क्वेश्चन पूछते थे अम्बेसी वाले। तो वो कहते थे ये एफडी तो अभी हमने तो ओडी इसके अगेंस्ट लिमिट बनाई हुई है, तो वो इमीडिएटली बच्चों के वीज़ा रिफ्यूज़ कर देते थे। अब भी ये ट्रेंड चल रहा है, आज की डेट में भी ये यूके के रिफ्यूज़ल आए हैं, इस तरीके से भी आए हैं। तो ये तो मैंने बता दिए जो एफडी ओडी वट्स एवर हैं, तो सोर्स ऑफ इनकम ही बता दिए। अभी हम शेंगन कंट्रीज़ की ओर आते हैं, और शेंगन के अंदर 26 कंट्रीज़ है, और हर एक कंट्रीज़ की अपनी अपनी रिक्वायरमेंट है। कुछ कंट्री आपकी एफडी भी एक्सेप्ट करती हैं कि हाँ आपके पास एफडी में भी पैसे पड़े हुए हैं, दे आर एक्सेप्टिंग। हाँ, 90% जो कंट्रीज़ हैं शेंगन के अंदर वो लोन लेटर एक्सेप्ट ही नहीं करते, कहते हमें लोन लेटर नहीं चाहिए, आप हमें लिक्विडिटी बताए अपनी सेविंग्स में। और 90% वहाँ पे कंट्रीज़ में आपको अपनी लिक्विडिटी अपने सेविंग्स में अपने पेरेंट्स के अकाउंट में दिखाने पड़ते हैं। अभी क्वेश्चन आता है वो कितने दिन पुराने फंड मांगते हैं, बहुत सारी कंट्रीज़ हैं, मैं फिर बता दिया आपकी रिक्वायरमेंट को देखते हुए, आप कौन सी कंट्री में अपना वीज़ा डालते हैं उसको देखते हुए मैं आपको सजेस्ट कर सकता हूँ कि मैं आपकी मैक्सिमम कहाँ पर सेविंग करवा सकता हूँ। बच्चा कहता है कि सर मुझे ऐसी कंट्री बताइए कि जहाँ पर फंड्स दिखाने की ज़रूरत नहीं है, ऐसी भी कंट्री भी हमारे पास है शेंगन के अंदर। इवन बच्चा हमारे पास आता है, सर मेरे पास जो फंड है वो एक दिन पुराने होंगे क्योंकि मैंने किसी रिलेटिव से 15-20 दिन के लिए या 1 महीने के लिए लेने हैं, तो आई विल सजेस्ट दैट कंट्री कि आप इस कंट्री के अंदर अपना वीज़ा डालिए, यहाँ पर इस टाइप के फंड्स रिक्वायरमेंट रहती हैं। इसी तरीके से कुछ आते हैं कि सर हमारे पास तो म्यूचुअल फंड में ही सारे शेयर मार्केट में ही फंड पड़े हुए हैं, हमें वो कंट्री सजेस्ट करिए जहाँ पर ये म्यूचुअल फंड वाले फंड चले जाएँ, तो उसको हम उसके अकॉर्डिंग कंट्री सजेस्ट करते हैं। एक बच्चा आता है कि सर मेरे पास तो सिर्फ फिक्स डिपॉजिट है FDRs है, तो आप हमें कंट्री सजेस्ट करिए कि हमें कौन सी कंट्री के अंदर अपना वीज़ा डालना चाहिए जहाँ पर ये फंड एक्सेप्टेबल है, तो उसको भी हम सजेस्ट करते हैं। एक क्लाइंट आता है कि सर मुझे ऐसी कंट्री बताइए जहाँ पर सिर्फ फंड की स्टेटमेंट ही चाहिए, फंड है या नहीं है, तो वो भी हम कंट्री सजेस्ट कर सकते हैं कि कौन सी एम्बेसी ये फंड्स को चेक नहीं करती हैं। मैं बता सकता हूँ कि ये वाले सिर्फ स्टेटमेंट देखते हैं, आपका वहाँ से गवर्नमेंट से इन्विटेशन आया हुआ है तो दे विल ग्रांट द वीज़ा, दे विल नॉट चेक एनी बैंक स्टेटमेंट और व्हाट्स एवर। बट ये नहीं है कि आप फेक लगा दो वहाँ पे, हाँ आपके पास डाल के अपने पैसे विड्रा कर लिए हैं बैंक स्टेटमेंट निकालने के बाद, वो भी एक्सेप्टेबल है। इवन कुछ कंट्री में क्या है कि आपके पास सिर्फ 5 लाख रुपया पड़ा है, उनकी रिक्वायरमेंट है 9 लाख की, तो वो आप 5 लाख रुपया भी को भी 9 लाख की तरह यूज़ कर सकते हैं, और 5 लाख की स्टेटमेंट निकाल के 4 लाख दूसरे बैंक में डाल के उसी 5 लाख में से 9 लाख की 2 स्टेटमेंटें लगा के भी अपना वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। बट फिर मैंने बता दिया इट इज़ डिपेंड ऑन द कंट्री, कहाँ पर कौन सी कंट्री को किस टाइप के फंड एक्सेप्टेबल है। अभी ये नहीं है कि मैंने आपको ये सजेस्ट दे दिया इसमें कि हाँ आप 5 लाख को 9 लाख बना सकते हैं इस तरीके से, तो आप स्पेन में डाल दो या किसी व्हाटएवर कंट्री में डाल दो तो वहाँ से आपका वीज़ा रिजेक्ट हो जाएगा। सिलेक्शन ऑफ कंट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, किस टाइप के फंड हैं आपका, हर एक कॉर्नर हर एक आपकी रिक्वायरमेंट चेक करने के बाद मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि आपको अपनी जो वीज़ा है कौन सी कंट्री के अंदर डालना चाहिए। तो अगर आपकी फंड से रिलेटेड भी कोई भी क्वेरी है किसी भी कंट्री से रिलेटेड, तो आप क्रॉन इमिग्रेशन से संपर्क करें, क्रॉन इमिग्रेशन आपको बेस्ट से बेस्ट गाइडेंस प्रोवाइड कर सकता है कि आपको किस टाइप के सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट लगाने चाहिए, इस कंट्री के लिए आपको कैसे जेन्युइन फंड लगाने चाहिए ताकि आपका वीज़ा रिफ्यूज़ ना हो। क्योंकि हम टेक्निकल लोग हैं, इस फील्ड में हमें बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, हर एक कंट्रीज़ के साथ हम वर्क कर रहे हैं, तो अगर आपको फंड्स की भी कोई रिक्वायरमेंट रहती है तो हम आपको अच्छे से अच्छे जो फंड्स शो करने वाली एजेंसीज़ हैं जो गवर्नमेंट अप्रूव्ड है उनसे भी आपको असिस्टेंस दवा सकते हैं। आपको रियल बैंक लोन चाहिए स्टडी के लिए
उसमें भी आपकी हेल्प कर सकते हैं। बट डिपेंड है कि आप कौन सी कंट्री और कौन से प्रोग्राम के लिए हायर स्टडीज़ में जा रहे हैं, क्या आप अपना जो बैंक लोन है विदाउट कोलेटरल और विद कोलेटरल अप्लाई कर रहे हैं। तो गवर्नमेंट एजेंसीज़ भी हैं हमारे पास, गवर्नमेंट बैंक भी है, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं, सब में हम आपकी हेल्प कर सकते हैं। तो अगर आपने किसी भी कंट्री के लिए फ़ंड भी शो करने हो तो क्राउन इमिग्रेशन से संपर्क कर सकते हैं, हम इसके ऊपर भी आपको सजेशंस दे सकते हैं। इवन आपने किसी भी कंट्री का कोई वीज़ा भी अप्लाई करना है तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं, क्योंकि आज की डेट में जो मेजर इनटेक है, चाहे वो कनाडा का है, चाहे वो यूएसए का है, चाहे वो शेंगन का है, वो ऑलरेडी ओपन हो चुका है, जिन बच्चों ने अगस्त और सितंबर में इन कंट्रीज़ में जाना है। तो हमारे चैनल के ऊपर इससे रिलेटेड कम से कम 700 से ज़्यादा वीडियोस हैं, वो सारी की सारी इन्फॉर्मेटिव है। अगर आप उनको भी देखना चाहते हैं तो आप इमीडिएटली क्राउन इमिग्रेशन के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे हुए बेल आइकन को जरूर पुश कर लें। तो अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी, इसको लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।